बुरहानपुर जिले में जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिलौरे द्वारा मालवाहक समेत यानी वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। बता दें कि इस अभियान के तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरटीओ कार्यालय के पास बसों को रोकना शुरू किया और बसों को रोकते ही जाँच शुरू कर दी गई। वहीं इस जांच अभियान में करीब 45 से अधिक वाहनों की जांच की गई और वाहनों में प्रेशर हॉर्न पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इसी क्रम में परिवहन अधिकारी जगदीश बिलौरे ने बताया कि जांच अभियान के दौरान जिन वाहनों में खामियां मिली है उन वाहनों पर जुर्माना लगाकर सख्त हिदायत दी गई कि आगे से लापरवाही पाई जाती है तो बस जब्त कर ली जाएगी। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। आज के चेकिंग अभियान में जो भी व्हीकल विदाउट डॉक्यूमेंट्स के हैं या जिनमें सुरक्षा मानकों की पूर्ति नहीं की गई है या जो पब्लिक न्यूसेंस करते हैं उन सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं बस में प्रेशर हॉर्न लगा के चलते हैं, बस वाले के जो ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं वो लाइसेंस और बिना वर्दी के चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाकी अन्य वाहन जो भी आ रहे हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर फिटनेस नहीं है या पीयूसी नहीं है उन सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर देखा जा रहा है कि कई वाहनों में जो है चालक परिचारक जो है वर्दी में नहीं रहते हैं, ऐसे में विवाद की स्थिति निर्मित होती है, इस पर क्या? ऐसे वाहनों ऐसे जो बस संचालक हैं जिनके वाहनों में जिनकी बसों में या चालक और परिचालकों के वर्दी नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका भी चालान बनाया जा रहा है और उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है। अगर ऐसे ही अगर उनका रवैया रहा तो उनका जो लाइसेंस है चालक और परिचालक का उसको भी किया जाएगा।